हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एविएशन टेक ऑफिशियल। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हवाई यात्रा कैसे करना है, एयरपोर्ट पे इंट्री कैसे लेना है। आमतौर पर जो लोग पहली बार ट्रैवल करते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे मैं इंट्री करूँगा, कहाँ पर बैगेज देना है, कैसे सिक्योरिटी चेक कराऊँगा, कितना बैगेज ले जाना है, कितना परमिसेबल है, कितने के बाद चार्ज लगने वाला है बैगेज पर। ये सारा डाउट क्लियर होगा आपके इस वीडियो में। तो गाइज, मैं इस वीडियो में एयरपोर्ट में एंट्री करने से लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलने तक का पूरा वीडियो कवर किया हूँ। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपका डाउट ज़रूर क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी कन्फ्यूजन से बचे रहेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि आपका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज लगने से भी बचा सकता है और एयरपोर्ट एंट्री करने में भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहला है कि अगर आप एयरपोर्ट पर एंट्री कर रहे हैं, आप फ्लाइट ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो अपने पास एक ज़रूर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ रखें, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, क्योंकि एयरपोर्ट एंट्री गेट पर बोर्डिंग पास के साथ आधार कार्ड भी चेक किया जाता है, कोई आईडी प्रूफ भी चेक किया जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको एक गवर्नमेंट प्रूफ लेकर ज़रूर चलें, आइडेंटिटी प्रूफ लेकर ज़रूर चलें। सेकेंड चीज़ है कि अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा बैगेज है तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इंडिगो ओनली 15 kg ही अलाउड करती है बैगेज, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो अराउंड 400 to 500 पर केजी चार्जेज लगता है, जो कि आम आदमी बिल्कुल ही देना नहीं चाहेगा, बहुत सारे आदमी इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो बैगेज हो 15 kg तक का ही हो, और आप अगर हैंड बैग हो तो हैंड बैग ओनली 7 kg तक का ही अलाउड है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। और बैगेज में इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी बैगेज आप दे रहे हैं उसके अंदर कोई भी एक्सप्लोजिव सामान ना हो और पावर बैंक जैसे भी चीज़ें ना हो, हैंडबैग में कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही कुछ बातें थी, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं एयरपोर्ट। मैं फ़िलहाल कोलकाता सिटी में हूँ। तो कोलकाता सिटी में एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैं एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़े जा रहा हूँ, तो आइए मेरे साथ और देखिए क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे कैसे प्रोसीजर होता है एयरपोर्ट में एंट्री करने का। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। तो गाइज, अगर आप कोलकाता से ट्रैवल कर रहे हैं तो कोलकाता में डिपार्चर लेवल ऊपर है, ऊपर फ्लोर पर है, तो आप एरो ब्रिज के थ्रू जा सकते हैं ऊपर, या फिर आप नीचे से भी जा सकते हैं बाय लिफ्ट। तो अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो डिपार्चर जाने के लिए हमें हमेशा डिपार्चर लेवल में जाना होता है, डिपार्चर एंट्री गेट पर जाना पड़ेगा, तभी वहाँ से हमें एंट्री मिलेगा। तो मैं यहाँ से नीचे नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पर कई सारा गेट लिखा हुआ, गेट नंबर है 3C 3B 3A टाइप का, लिफ्ट में जाऊँगा। और यहाँ पर लिफ्ट आ चुका है, लिफ्ट ओपन होने वाला है, लिफ्ट ओपन हो गया, मैं डिपार्चर लेवल को प्रेस करूँगा जो कि DL लिखा हुआ है। तो गाइज, मैं यहाँ पर डिपार्चर लेवल पर आ चुका हूँ, यहाँ पर एंट्री गेट है, यहाँ पर CISF वाले बोर्डिंग पास चेक कर रहे हैं, जो उसके बाद हमें एयरपोर्ट में एंट्री करने देंगे। तो यहीं पर बोर्डिंग पास के साथ आपका एक आईडी प्रूफ लगेगा, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। तो मैं यहाँ पर एंट्री कर चुका हूँ गाइज, यहाँ इस मशीन से आपको फिजिकल हार्ड कॉपी बोर्डिंग पास निकलता है, तो अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक हार्ड कॉपी निकाल दे रहा हूँ, अगर हार्ड कॉपी निकालना है तो मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पर कई सारे कंपनीज का नाम दिया रहता है, आप जो भी कंपनी से ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, उस एयरलाइन को सिलेक्ट कर PNR नंबर डाल सकते हैं। PNR नंबर डालने के बाद बोर्डिंग पास शो होगा और उसे आप प्रिंट आउट कर सकते हैं उसी मशीन से। तो गाइज, उसके बाद हमें सिक्योरिटी चेक कराना होता है, तो चलिए चलते हैं सिक्योरिटी चेक की तरफ।
तो सिक्योरिटी चेक करते टाइम अगर आपके पास कुछ भी लैपटॉप मोबाइल चार्जर है सबको आप बैग से बाहर निकाल लें, ट्रे रखा होता है ट्रे में ही रखें, और बैग भी अगर आपके पास हैंडबैग हो तो हैंडबैग भी ट्रे में रखें। और यहाँ पर बेल्ट अलाउड नहीं होता है पहन के जाना, तो बेल्ट को भी हमें खोलकर ट्रे में रखना होता है। और सामने यहाँ पर हमें बैगेज काउंटर दिख रहा है जहाँ आप बैगेज सबमिट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज हो तो आप वहाँ पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर सिक्योरिटी चेक करा कर अंदर आ रहा हूँ, यहाँ पर गेट नंबर मेरा मेंशन दिया हुआ है, तो मैं जो गेट मेंशन किया हुआ मैं उस गेट की तरफ जाऊँगा। तो गाइज आप देखिए वहाँ पर ऊपर कई सारा लगा होता है बोर्ड, वहाँ पर लिखा रहता है कौन सा गेट किस डायरेक्शन में, तो आप इस डायरेक्शन को नोटिस कर करके जा सकते हैं आपका जो भी गेट नंबर हो। तो मैं गेट की तरफ बढ़े जा रहा हूँ। तो गाइज ये गेट के बगल में बैठा हूँ, यहाँ से व्यू दिख रहा है बाहर का जहाँ एरोप्लेन खड़ा है हमारा। तो मेरा गेट है 21 नंबर, तो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर 21 लिखा हुआ है, तो वैसे ही आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका गेट कौन सा है, हर एक जगह मेंशन किया होगा। यहाँ पर एरो ब्रिज ये है जिसके थ्रू हम लोग जाएंगे जहाज में, तो एरो ब्रिज अभी तक कनेक्ट नहीं है, तो शायद वो डिपार्चर से 60 मिनट पहले कनेक्ट किया जाता है, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर चेयर पर बैठ के। काफ़ी ज़्यादा चेयर रहता है, आप यहाँ पर बैठ के वेट कर सकते हैं गेट के सामने। तो गाइज हमारा गेट ओपन हो चुका है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बोर्डिंग टाइम पे करें। और मैं यहाँ पर बोर्डिंग करने जा रहा हूँ, एरो ब्रिज के थ्रू जा रहा हूँ, तो एरो ब्रिज का व्यू देख सकते हैं। तो फाइनली मैं अपना एलोकेटेड सीट पे बैठ चुका हूँ, जो भी मेरा सीट है मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो सीट नंबर जानने के लिए देखिए ऊपर हैट रैक होता है, हैट रैक के बगल में लिखा रहता है जो भी सीट है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि इतना बड़ा जहाज़ में कहाँ पर कौन सा सीट है, तो यहाँ पर ऊपर लिखा रहता है जो भी सीट होगा आपका। अनाउंस किया जा रहा है सीट बेल्ट पहनने के लिए, क्यों डोर क्लोज होने ही वाला है, तो सीट बेल्ट हम लोग पहन लेते हैं। गाइज सीट बेल्ट पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, आप जहाँ बैठते हैं सीट के ऊपर सीट बेल्ट लगा रहता है दो साइड में, हाफ हाफ आप उसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा पुश बैक स्टार्ट हो चुका है जहाज का, आप व्यू देखिए बाहर से। और फ्लाइट ट्रैवल स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ क्रू डेमो देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो भी डेमो दिया जा रहा है तो आप उसे
केयरफुली सुने और केयरफुली देखें, क्योंकि अगर कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो काफ़ी ज़्यादा काम में आता है ये डेमो। इसमें आपको बताया जाता है कैसे क्या करना है, कैसे ऑक्सीजन मास्क यूज करना है, कैसे हमें बाहर निकलना है इमरजेंसी के टाइम में। दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा विंडो सीट मिला है। तो गाइस यहाँ पर टेक ऑफ हो चुका है। अगर आपको भूख लगा हो या फिर आपको कुछ स्नैक्स करना हो तो इन फ्लाइट आपको सारा सर्विस दिया जाता है। आप इसे प्री बुक भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्रू आ गई है सर्विस देने। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, पानी वगैरह पीना हो तो पानी भी आप मांग सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूं कि अगर आपको लैब यूज करना है तो कैसे करना है। अगर आपको वॉशरूम जाना हो तो एयरक्राफ्ट में वॉशरूम होता है, दो पीछे साइड में और एक आगे साइड में। तो अगर साइड भी बैठे हों, आगे साइड में बैठे हो तो आगे आप जा सकते हैं। अगर आप पीछे साइड में बैठे हों जहाज़ के तो पीछे वाला वॉशरूम यूज कर सकते हैं। तो आप चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे जाना है। जरूर ध्यान रखें यहाँ पर ग्रीन है जिसमें वैकेंट या ऑक्यूपाइड इंडिकेशन होगा। अगर कोई पहले से गया हुआ तो ऑक्यूपाइड दिखा रहा होगा, अगर कोई नहीं गया वो खाली होगा तो वैकेंट दिखाएगा। अगर आप यहाँ से लॉक जरूर कर लें, यहाँ पर लॉकिंग का दिया हुआ है। तो इस लैब में देखिए गाइस यहाँ पर क्या क्या होता है, दिखा दूँ। यहाँ पर कमोड है जो कि फ्लश करने के लिए फ्लश बटन है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, फ्लश जरूर करें वॉशरूम यूज करने के बाद, ताकि कोई दूसरा पैसेंजर भी आपके बाद यूज करने वाला होता है। और सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। इंडिकेशन प्रॉपर दिया हुआ होता है तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा नहीं। यहाँ पर टिश्यू पेपर दिया हुआ है हाथ धोने के बाद। सोप डिस्पेंसर है जिससे आप सोप निकाल सकते हैं। टैप है जिससे पानी निकलता है। और यहाँ पर वेस्टबिन है जो कि आप टिश्यू पेपर यूज करके फेंक सकते हैं उसमें। चलते हैं अपने सीट पर। आपके सीट के सामने टेबल होगा जिससे आप जिसको आप यूज कर सकते हैं सामान वगैरह रखने के लिए, लैपटॉप यूज करने के लिए या फिर कुछ खाने के लिए। उसको आप टर्न करिए, टेबल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बोतल रखने के लिए अलग स्लॉट दिया हुआ है, आप वहाँ पर बोतल रख सकते हैं पीने वाला पानी। और यहाँ पर सीट पॉकेट होता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, कुछ भी जैसे मोबाइल वगैरह अगर रखना हो तो रख सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर सीट पॉकेट में देखिए ब्रीफिंग कार्ड होता है जो कि सेफ्टी ब्रीफिंग कार्ड होता है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे क्या करना चाहिए पूरा इसमें दिया रहता है। तो आप एक बार ज़रूर इस चीज़ को पढ़ लें, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है इनकेस अगर कुछ भी इमरजेंसी हो। तो गाइस फ्लाइट टेक ऑफ किए 40 मिनट अराउंड हो गया तो फ्लाइट मेरा लैंड होने ही वाला है। यहाँ पर लैंडिंग का अनाउंसमेंट भी हो गया है सीट बेल्ट के लिए।
तो सीट बेल्ट जरूर पहन लें लैंडिंग के टाइम में, और सीट बेल्ट का साइन ऊपर दिखाएगा ओवरहेड पर, आप जरूर इस चीज़ का नोटिस करते रहें। तो यहाँ पर लैंडिंग होने ही वाला है, आप देखिए पटना में मैं उतर रहा हूँ, पटना का व्यू है ये ऊपर से। Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. यहाँ पर पटना एयरपोर्ट का टर्मिनल दिख रहा है और हम लोग सारे धीरे धीरे करके निकलने वाले हैं। कोविड चल रहा है तो गाइस इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि डिस्टेंस मेंटेन जरूर करें। यहाँ पर देखिए अराइवल है, मैं अराइवल के थ्रू एग्जिट करूँगा। अगर आपने बैगेज दिया तो देखिए बैगेज के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर बेल्ट है, यहाँ पर आपका पूरा जो भी ट्रॉली वगैरह होगा यहाँ पर ट्रॉली आ जाएगा, आपको कुछ देर वेट करना होगा इसके लिए। तो गाइस मैं यहाँ पर फाइनली पटना पहुँच चुका हूँ। तो आप होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे करते हैं ट्रैवल, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। काफ़ी ज़्यादा इजी होता है ट्रैवल करना, एयर ट्रैवल करना, तो कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा अगर देखें हो तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।